छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम परीक्षा पाठ का व्याकरण देखने वाले हैं। बात भाषा की जो पन्ना क्रमांक 20 पर है उसे हम आज देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन से तीन तीन शब्द बनाइए। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन दिए हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श। ऐसे व्यंजन हैं, इनको हमें इनसे बने तीन तीन शब्द हमें लिखने हैं। तो पहला व्यंजन जो है वो क्ष है। देखो, ये दो वर्णों के मिलान से क्ष बना है। वो वर्ण कौन कौन से, वो देखिए पहले, उसके बाद हम इसके शब्द देखेंगे। क और श, इन दोनों में अ का स्वर है, तभी यह क्ष बनता है। देखिए, दूसरा है त्र, इसमें त, इसमें र मिला हुआ है और अ, इन दो वर्णों के मिलान से ये व्यंजन बना है। उसके बाद ज्ञ, ज और य, इनके मिलान से ये ज्ञ बना है। श और र, इनके मिलान से ये व्यंजन बना है। देखो, यहाँ पर क्ष, क, श, अ, त्र, त, र, अ, ज्ञ, ज, य, अ, उसके बाद श्र, श, र, अ। अब इनसे बने शब्द हम देख, क्ष से बनता है कक्षा, परीक्षा, पक्षी। कक्षा, परीक्षा, पक्षी। देखो, यहाँ पर क्ष है और यहाँ पर क्ष है। दूसरा है पत्र, मित्र, पत्र, मित्र, छात्र। से ज्ञानी, अज्ञान और विज्ञान। श्र से श्रम, आश्रम और परिश्रम। देखिए, यहाँ पर क्ष से बना कक्षा, परीक्षा, पक्षी, त्र से बना पत्र, मित्र, छात्र, ज्ञ से शब्द है ज्ञानी, अज्ञान, विज्ञान, श्र से श्रम, आश्रम, परिश्रम। देखो, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न पूरा होता है। दूसरा प्रश्न है, शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला शब्द दिया है प्राचीन। विलोम शब्द यानी क्या? उल्टा अर्थ देने वाला शब्द। इस शब्द का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द कौन सा हो सकता है? तो प्राचीन यानी पुराना। यहाँ पर नवीन शब्द है, नवीन। दूसरा है गुणवान, तो आएगा गुणहीन, गुणहीन, जिसमें गुण ही नहीं है। गुणवान, एक गुणवान है, दूसरा गुणहीन, उसका विलोम शब्द है गुणहीन। शुभ, अशुभ, शुभ, अशुभ, उदास, प्रसन्न, गुरु, शिष्य, निर्धन, धनवान। मान, अपमान। स्वीकार, अस्वीकार। देखिए, फिर से यह विलोम शब्द। प्राचीन के लिए नवीन शब्द है गुणवान, विलोम शब्द है गुणहीन, शुभ, अशुभ, उदास,
प्रसन्न गुरु शिष्य निर्धन धनवान मान अपमान स्वीकार अस्वीकार। यहाँ पर हमारे दो प्रश्न पूरे होते हैं। तीसरे प्रश्न में देखिए, उपसर्गों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। उपसर्गों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। पहला है अ जोड़ ज्ञान। अ जोड़ ज्ञान। अ अलग है, यह उपसर्ग है। ज्ञान यह मुख्य शब्द है और उसे अ जोड़ने के बाद शब्द बनता है अज्ञान। ज्ञान शब्द का अर्थ अलग है और अज्ञान शब्द का अर्थ अलग है। मतलब उपसर्ग जोड़ने के बाद इस शब्द का जो अर्थ है वो बदलने वाला है। इसको ही उपसर्ग जोड़ने से इसका अर्थ बदल जाता है। ज्ञान का ही विलोम शब्द बनता है वो अज्ञान। कुछ शब्द ऐसे विलोम शब्द बनते हैं, कुछ शब्द जिनके अर्थ ही कुछ अलग होते हैं। ऐसे इन उपसर्गों को जोड़कर कौन कौन से शब्द बनते हैं इसके बारे में देखते हैं। पहला देखो, अ जोड़ ज्ञान, शब्द बनता है अज्ञान। ख है आ जोड़ जन, तो यहां पर आजन, आजन शब्द बना आजन। तीसरा है ला जोड़ परवाह, परवाह अर्थ अलग है पर ला जोड़ने से लापरवाह। ख का देखो वी जोड़ शेष, शेष यानी बाकी, तो वी जोड़ने से वो मुख्य हो गया विशेष। प्र जोड़ कृति, शब्द बनता है प्रकृति। उप जोड़ चार, शब्द बनता है उपजा। उप जोड़ हार, उपहार, उपहार यानी भेंट, भेंट वस्तु। हार यानी हारना, अपयश, और इसका उपहार बनने से अर्थ ही बदल जाता है। समय अलगा असमय बना, असमय। देखो शब्द बनते हैं अज्ञान आजन, अज्ञान आजन्म लापरवाह विशेष प्रकृति उपचार उपहार और असमय। यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। चौथे प्रश्न में देखिए, शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। यह शब्द जो है वो एक वचन में है, इसको हमें अनेक वचन में करना है, बहुवचन में उसे परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर पहला शब्द दिया है छात्र। छात्र शब्द का अनेक वचन रूप है छात्रों। दूसरा है पुस्तक, पुस्तक का अनेक वचन रूप क्या बनेगा? पुस्तके, पुस्तके। यहां पर ए और उसके ऊपर अनुस्वार, मतलब के यहां पर है उसके ऊपर अनुस्वार दिया है। यहां पर अगर ए है अ का पुस्तक इस शब्द के अंतिम वर्ण में क है और क में अ का स्वर मिला हुआ है, अ का स्वर मिला हुआ है, इसलिए इसका अनेक वचन करते वक्त ए इस तरह लगाया जाएगा। ए, ए के ऊपर चंद्रबिंदु, इसलिए यहाँ पर क के ऊपर ए की मात्रा लगी है और उसके ऊपर अनुस्वार दिया है। ग देखिए वस्तु, वस्तु का बनेगा वस्तुएं, ए के ऊपर चंद्रबिंदु। ऋतु, ऋतु का बनेगा ऋतुएं, ए के ऊपर चंद्रबिंदु। इसके बाद शब्द है स्त्री। यहाँ पर स्त्री शब्द है तो इसका अनेक वचन करते समय जो बड़ी की मात्रा है स्त्री के ऊपर, जो बड़ी की मात्रा है शब्द देखिए ध्यान से, बड़ी की मात्रा बनेगी पहली की मात्रा और इसके आगे यान लगेगा उस पर चंद्रबिंदु। स्त्रियां शब्द बनेगा स्त्रियां, स्त्री स्त्रियां। सीढ़ी, यहाँ भी वैसे ही
अंतिम अंतिम जो वर्ण है उसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो अनेकवचन करते समय इसको पहली ई की मात्रा लगेगी, छोटी ई की मात्रा लगेगी और ये शब्द के आगे या जोड़ा जाएगा, सीढ़ियां, शब्द इस तरह से बनेगा और या के ऊपर चंद्रबिंदु। देखिए छात्र का बने, छात्र का बना छात्रों, पुस्तक का बना पुस्तकें, वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, स्त्री स्त्रियां, सीढ़ी सीढ़ियां। यहां पर हमारा चौथा प्रश्न समाप्त होता है। देखो पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलते हुए शब्दों को पुनः लिखिए। तो यहाँ पर शब्द दिए हैं गंगा, मंच, पंचायत, डंडा, संभव और बंधन, और हमें कहा है कि अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलकर ये शब्द फिर से लिखने हैं। इसके पहले हमें ये जानना है कि पंचम वर्ण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर क वर्ग दिया है, च वर्ग दिया है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। तो इसमें क वर्ग में क्या क्या है, कौन कौन से वर्ण आते हैं, देखिए क ख ग घ ण। च वर्ग में है च छ ज झ ञ। उसके बाद है ट, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में है त थ द ध न। प वर्ग में है प फ ब भ म। अब देखिए यहाँ पर क वर्ग में पांचवा जो वर्ण है वो पंचम वर्ण है। यहाँ पर जितने भी पांचवा वर्ण है यहाँ पर वो पंचम वर्ण है। इसमें है ण, इसमें है ण्य, इसमें है ण, इसमें न और इसमें म। अब देखिए यहाँ पर गंगा शब्द है, इसका इसको पंचम वर्ण में कैसे बदलेंगे वो देखिए। यह गंगा शब्द में देखो ग के ऊपर अनुस्वार है और दूसरा शब्द जो है वो गा है, तो इसकी तरफ हमें ध्यान देना है कि गा किस में है, ग यह जो व्यंजन है वर्ण है किस में है, तो क वर्ग में आता है, तो क वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, ण। तो यह शब्द इस तरह का बनेगा गंगा, क्या बनेगा गंगा। दूसरा शब्द है मंच, म के ऊपर अनुस्वार है तो उसका दूसरा वर्ण है च, च किस वर्ण में आता है, वर्ग में आता है देखिए च वर्ग में, च है तो च का पंचम वर्ण है ण्य, तो मंच क्या बनेगा मंच, इस तरह का शब्द बनेगा। उसके बाद है पंचायत, इसमें भी वैसे ही है, प के ऊपर अनुस्वार है, आगे जो वर्ण आया है वो च है इसलिए इसको भी ण्य से ही जोड़ा जाएगा पंचायत। देखिए यहाँ पर डंडा है, ड के ऊपर अनुस्वार है, ड कौन से वर्ग में आता है वो देखिए, ड आता है ट वर्ग में और ट वर्ग का पंचम वर्ण है ण, तो इसका इस तरह शब्द बनेगा डंडा। संभव में देखिए भ कहाँ आता है, भ प वर्ग में आता है तो इसका पंचम वर्ण है म, तो यहां पर म लगेगा सम संभव। बंदर शब्द में ब के ऊपर अनुस्वार है, उसके बाद जो वर्ण है वो द है, द त वर्ग में आता है और उसका पंचम वर्ण है न, तो शब्द बनता है बंदर। देखिए यहाँ पर ण है, यहाँ पर ण्य आया है, ण्य आया है, यहाँ पर ण है और यहाँ म आया है और यहाँ न, तो ये अब इसका इस्तेमाल नहीं होता, पर पहले इसका ही इस्तेमाल किया जाता था। अब जो शब्द का रूप है वो इस तरह का होता है गंगा, इस तरह से हम उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारा पांचवा प्रश्न समाप्त होता है। छठे प्रश्न में देखिए पाठ से अनुनासिक ध्वनि वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर अनुनासिक वाले शब्द यानी क्या, तो चंद्रबिंदु वाले शब्द यहाँ पर दिए हैं वहाँ, मांग कर, कहलाऊंगा, लाएंगे, वस्तुएं,
जहां, आंगन और माँ। ये दो शब्द पाठ में नहीं है, पाठ में सिर्फ इतने ही मिलते हैं। आपको अगर मिले तो आप लिख सकते हैं, ये बाहर के लिए है आंगन और माँ। देखिए यहाँ पर हा के ऊपर चंद्रबिंदु है, माँ के ऊपर चंद्रबिंदु है, उ के ऊपर चंद्रबिंदु है, यहाँ पर ए के ऊपर चंद्रबिंदु है, ए के ऊपर चंद्रबिंदु है, जहाँ शब्द में हा के ऊपर चंद्रबिंदु है, आंगन शब्द में आ के ऊपर है और माँ के शब्द में माँ के ऊपर चंद्रबिंदु है। देखिए ये शब्द आपको आपके पाठ्य पुस्तक में लिखने हैं। यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न पूरा होता है। सातवें प्रश्न में देखिए, रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग कर गद्यांश को पुनः लिखिए। यहाँ आपको पाठ्यपुस्तक में गद्यांश जो दिया है उसमें नीले रंग में जो शब्द दिए हैं उस स्थान पर आपको सर्वनामों का प्रयोग करना है। सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। देखिए गुरुजी के बाद है अपने, तो रेखांकित जितने भी शब्द है वहाँ पर आपको ये शब्द जो लाल रंग से किए हैं वो शब्द आपको लिखने हैं। इस अनुच्छेद को मैं पढ़ता हूँ, आपको ध्यानपूर्वक उसे सुनना है। गुरुजी अपने आश्रम में शिष्यों के साथ बैठे थे, वे शिष्यों को अस्त्र शस्त्र संबंधी जानकारी दे रहे थे। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। वे अपने शिष्यों को ध्यानमग्न देख अतीव प्रसन्न थे। तभी उन्होंने देखा एक शिष्य का ध्यान दूर कहीं लगा है। उन्होंने उससे पूछा, तुम वहां क्या देख रहे हो? उसने बताया, वहां एक छोटा हिरण है जो ठीक से चल नहीं पा रहा है। देखिए यहां पर जो संज्ञा शब्द है वहां पर हमने सर्वनामों का प्रयोग करके दिया है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसे पाठ्य पुस्तक में पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारा सातवां प्रश्न यहाँ पर पूरा होता है।